चलो चलो देखो विद्युत विद्रोह के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में वैद्युत विभव फिर से बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव यहाँ प्लस क्यू हो गया और यहाँ पे माइनस क्यू हो गया इसका बीच की दूरी कितना है टू ए है यहाँ पे ए बिंदु है यहाँ पे ए बिंदु इसके मध्य बिंदु ओ ठीक है और ओ से एक का दूरी कितना हो जाएगा एक और बी से ओ का दूरी निरक्षित स्थिति क्या होता है लंबार्धक से हम काटना ना हम काट देते हैं डायरेक्ट ऐसे करके स्केल थोड़ी नहीं है मेरे हम लोग पास काटने आता ना है 90 डिग्री बनाने आता ही नहीं नहीं समझ रहे हैं ना उसके बाद आप लोगों को तो मालूम चलेगा ही क्या होगा ठीक ओ से पी से ओ का दूरी कितना होगा आर आर यही था ना जी तो बिंदु पी से क्या ज्ञात करना है वैद्युत विभव लिखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव या विभव यस तो ई प्लस क्यू कितना निकला 1/4 πr² गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव कितना निकल जाएगा 1/4 πε0 q/dp ठीक है अतः परिणामी विभव कितना निकलेगा v बराबर v प्लस क्यू माइनस v माइनस क्यू ये ना तो देखो 1/4 πε0 q/ap 1/4 πε0 q/bp 1/4 πε0 into q कॉमन हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा एपी और बीपी अब ये हम लोग निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे निरक्षीय स्थिति में तो ये दोनों बराबर नहीं है आया था इसी में बराबर होगा इसका मान कितना होगा √a² + a² इसका मान कितना होगा √a² + a² जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा होगा ये लिखेंगे क्योंकि AP is equal to है अब AP BP के बराबर है मान लीजिए AP जगह 5 है यहां भी 5 तो कटेगा ना यस सर कटेगा कट जाएगा पक्का 1/4 πε0 q(0) होगा इसका मतलब 0 हो गया यस सर तो v बराबर कितना 0 लो अब कथा आप लोग गाते रहिए सर हार्ड है ठीक है ना अब ये रिवीजन भी हम करा चुके हैं और इससे अगर कुछ सीरियस नहीं है तो सीरियस ले लो 100% जरूर आया है वो अच्छी है निरक्षी है ना तो आसान से आसान शब्दों में हम बताने का कोशिश किए हैं ना तो कुछ इसमें दिमाग लगाना ना कुछ करना पेन उठाओ लिख दो चलो इसको जवन का जिस दिन जवन पूछे उस दिन तो बताया।